वो ओम शांति ओम में एक डायलॉग है ना कि तुम किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। मैं इतना बोल रही हूँ ना, वो कुछ भी नहीं बोलेंगे वो ऐसे। ज्यादा बोले। मेरी भाभी काजल जो है वो आज से नहीं है मेरे साथ, हम बचपन से साथ में ही हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे बेटे की शादी है। मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। उनका रिलेशन मुझे 4 साल लगभग पहले मुझे पता चला। सितारे है चांद समखड़ा, क्या कहना उसका आफरी। दावत में जैसे हो शाही टुकड़ा, उसके जैसी ना कोई नाजनी। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। पहले तो हम दोनों बहुत लड़ते थे बचपन में, मतलब इतनी लड़ाई होती थी कि एक दूसरे को पीटते थे। तो धीरे धीरे कैसे पता ही नहीं चला कैसे चेंज हो गया ना। मतलब उनकी मम्मा ने उनको बोला था कि एक दिन ऐसे आएगा कि तू उसके पीछे भागेगा। मतलब हम लोग ऐसे लड़ते थे, तो वैसे हम लोग मतलब धीरे धीरे ऐसा हुआ कि अलग फील होने लगा ना एक दूसरे को देख के। तो इग्नोर करते थे हम, मतलब जिस रूम में वो आते थे मैं वहाँ से चली जाती थी, या मैं जहाँ पे गई वो वहाँ से चले जाते थे। फिर उसके बाद में मतलब उन्होंने मुझे बोला, हम लोग इधर नगर में आए थे, कि मैं तेरे को लाइक करता हूँ। और उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, डायरेक्ट मुझे बोला कि मुझे शादी करनी है। कैसे मैं कहूँ शुक्रिया उसका मुझ पे एहसान है। ना चीजों की बस्ती में वो जो बन के आई मेहमान है। लगता है शादी घर में उसके आने से जैसे चल के आई है खुशकिस्मती। सारी महफिल की वो जान बनी है, क्या कहना उसका आफरी। मुफलिस के दिल का अरमान बनी है, उसके जैसी ना कोई नाजनी। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। काजल और मैं, हम लोग, मेरे मामा की बेटी है काजल, तो हम लोग एक दूसरे को बचपन से ही पहचानते हैं। हम लोग बचपन में बहुत लड़ाई करते थे, मैं उसकी सीढ़ी करता था, वो मेरी पिटाई करती थी। तो धीरे धीरे हम लोग जो लड़ाई झगड़ा कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। मैं 11th क्लास में था, तो एक दिन ऐसे ही सोचा कि यार कुछ तो अलग है। सडनली फील होने लग गया कि यार नहीं, अभी पहले जैसे नहीं लगती मार पिटाई करने वाली, अभी प्यार वाली लग रही है। तो मैंने सोचा इसको बोलते हैं अपन कि यार तू पसंद है, आई लव यू, प्रपोज करते हैं इसको। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है, पर कुड़िया दे नाल बहुत स्वीट है। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है, पर कुड़िया दे नाल बहुत स्वीट है। ढोंगी सा ये बड़ा ढीट है, वायरल हो गया ये ट्वीट। पर फूल वूल करने में कूल, तू बड़ी तेज कटारी है। शगन तेरी के, लगन तेरी के, हमने कर दी तैयारी है। नच देने सारे लाल मिल के, आज हिलने डुलने के लिए सारे नजारे। नच देने सारे लाल मिल के, आज हिलने डुलने के
आज से नहीं है मेरे साथ, हम बचपन से साथ में ही है। वो मेरे मामा की लड़की है, तो हम जब भी गांव जाते थे तो शी वॉज द वन मैं जिसके साथ रहती थी पूरा टाइम, सुबह उठना, साथ में सोना, साथ में खाना। तो वहाँ से वो बॉन्ड है, बट हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भैया और उसका ऐसे कुछ होगा। जब हुआ तो सबसे ज़्यादा खुश मैं ही थी, और फिर जब शुरू हुआ धीरे धीरे सपोर्ट किया, जहाँ नीचे गिरे वहाँ उठाया। बट उसका नेचर बहुत ज़्यादा प्यारा है, वो ऐसी है कि आप उसके साथ बैठोगे ना, यू कैन नॉट रेजिस्ट फॉलिंग इन लव विथ हर, शी इज़ सो गुड। और अप्स एंड डाउन्स तो आए, बट वो ऐसी है कि शी विल टेक केयर ऑफ माई फैमिली, आई नो फॉर श्योर। भैया मेरे जो हैं, एक वो ऐसा है कि किसी पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करता है, तो उसे 11 साल लगे अपना पार्टनर चुनने के लिए, और मेरी भाभी उस पर कह लो कि खरी उतरी है। आज उनकी शादी है, तो मैं श्योर हूँ कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि वो ऐसे रहेगी या मेरी फैमिली को बांधेगी नहीं बांधेगी। मैं श्योर हूँ कि वो मेरी फैमिली को संभालेगी और मेरी कमी उनको कभी फील नहीं होने देगी। कभी सास बहू थी, आज मैं सास बनने जा रही हूँ, तो मैं ये चाहूँगी कि अपनी बहू को हर वो सुख दो जिसमें वो खुश रहे, अपने घर को वो पूरी तरह अपना समझ के चले, उसको पूरा सम्मान मिले मेरे घर में। वो मेरी बड़ी बहू नहीं है, वो मेरी बड़ी बेटी है, उसके बाद मेरी बेटी मेरी छोटी बेटी है। काफ़ी लोग बोलते थे, क्योंकि वो मेरे भाई की लड़की थी ना, कि इसको बहू बनाना है, बहुत अच्छी जोड़ी है इनकी। मैंने ऐसे कभी सोची नहीं थी, पर भगवान ने सबको आशीर्वाद मिल गया उनको, आज वो नए बंधन में बंधने जा रहे हैं। भगवान उनको बहुत खुशियाँ दे, उनकी हर अरमान पूरे हुए। मुझे पता चला था मेरा बेटा मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करता था, तो अचानक बोला मम्मी मैं उससे शादी करूँगा, तब मुझे मजाक लगा था, क्योंकि वो बचपन में बहुत लड़ते थे दोनों, उनकी जरा बहुत मारपीट होती थी हरदम, और वो बोलता था वो बहुत ये है वो ऐसा, उसका मजाक उड़ाता था। तो मैं बोलती थी चल हट, एक दिन तो उसके पीछे पीछे भागेगा, मम्मी इतनी सुंदर है वो। दोनों बाइक पे थे, तो वो मुझे बोले कि मुझे तो अच्छी लगती है और शादी करना है मुझे तुझसे। तो मतलब मैं से थोड़ी वो हो गई ना कि क्या बोलूँ ना अभी इनको। तो फिर उसके बाद में मैंने बोला ठीक है, तो देखते हैं बोली। तो हम लोग फिर ऐसे फ़ोन कॉल पे बात स्टार्ट हुई उस टाइम से। फिर धीरे धीरे वही चलता था, मैं कॉल करती थी, वो मुझे रिटर्न कॉल करते थे। मतलब बातें तो इतनी लंबी चलती थी ना हम लोगों की, कि और कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट बात नहीं होती थी, बस ऐसी मस्ती मजाक चलता था हम लोगों का उस टाइम पे ना। फिर उसके बाद में मतलब मेरे क्लासेस स्टार्ट हुए, मैं 11 12th में गई, तो हम लोगों का ऐसे था ना कि अब लॉन्ग डिस्टेंस है ना हम लोगों का, तो उनको ऐसे था कि मिलने का, हमने कब मिलने का।
तो वही मतलब हम लोग फ़ोन पे बात करते थे ना, वो लगेज लैपटॉप लेके बैठ जाते थे कि कौन सी ट्रेन है, कौन सी बस है, किधर मिलने का, क्या करने का, सब वही। तो फिर हम लोग दिसंबर 2017 में मिले, फर्स्ट टाइम हमारी डेट वहाँ पे थी। वो मेरे लिए आए थे अकोला। उनका रिलेशन मुझे 4 साल लगभग पहले मुझे पता चला। 4 साल पहले ऐसे ही एक दिन उसकी पढ़ाई के बारे में जब मैंने उसको पूछा उसको, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि शायद मैं कैसे ही इज़ इन लव। और जब कोई इंसान अगर प्यार में है तो दो काम एक साथ में नहीं कर सकता, या तो प्यार करेगा या तो पढ़ाई करेगा। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा जो जानकारी हासिल की उसमें मुझे पता चला कि ही इज़ इन लव विद सम गर्ल। लेकिन उस लड़की के बारे में पता चलने के लिए मुझे 1 साल पूरा लगा। और मुझे खुशी थी कि वो जिस लड़की को चाहता है वो एक अच्छी नेक लड़की है। You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. फाइनली वो दिन आ गया जब मैं दुल्हन बन के रेडी हूँ, अपने आप को मिरर में देख के बहुत ऐसे अलग वाली वाव वाली फीलिंग्स आ रही है। मतलब बचपन से एक छोटी लड़की ऐसे छोटी रहती है तो बचपन से उसका एक सपना रहता है कि मैं भी दुल्हन बनूँगी, तो फाइनली आज वो फील कर रही हूँ मैं। मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रही कि वो फीलिंग्स कैसी होती है। बेस्ट फ्रेंड भी कम बोलेंगे आप, हम लोग सिस्टर्स बन गए, सिस्टर्स से भी ज़्यादा सोलमेट्स बन गए। और कंचन से मेरी जब मुलाकात हुई उसके बाद मैं फर्स्ट टाइम अर्चित्रेस के यहाँ आई, और मैं बता नहीं सकती, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये कंचन की फैमिली है। इन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना लव दिया कि मैं इतनी कंफर्टेबल हो गई कि ऐसा लगने लगा ये मेरा ही घर है। नया पौधा लगाने के बाद में, प्लांट लगाने के बाद में पानी जो है उसका एक्सपेक्टेशन नहीं है, उसका ज़रूरत है, उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर उसको नहीं दिया तो ख़त्म। तो बस एक्सपेक्टेशन ही बस एक ही मतलब है कि प्यार मिले बस, क्योंकि अगर प्यार है और प्यार मिल रहा है तो वो और कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है।